सबसे पहले नवभारत की ओर से इन्फ्लुएंसर के रूप में आपको जो अवार्ड मिल रहा है उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो कल है वो आज नहीं और आज है वो कल नहीं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सभी क्षेत्र में होता है, और मुझे खुशी है कि आज सोशल मीडिया बहुत ही पॉपुलर है, आप सबको लोग सुनते हैं। मैं ज़्यादा मीडिया सेवी भी नहीं हूँ और बहुत टेक्नोलॉजी का ज्ञानी भी नहीं हूँ, पर मुझे इसका अनुभव आया कि मुझे लाखों में पैसे भी मिलते हैं। सोशल मीडिया के मेरे 5 करोड़ फॉलोअर हैं और ये पूरे वर्ल्ड में है, और मुझे वहाँ से फीडबैक मिलता है और पैसा भी मिलता है महीने में, तो इतना इसका इम्पोर्टेंस है ये मैं कभी समझ नहीं पाया। और इसलिए नॉलेज ये पावर है, द इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और इसलिए आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि आपका टैलेंट, इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। आप देखिए चमचा बहुत होशियार होता है, जब तक प्याले में शक्कर नहीं आती चमचा दौड़ के कभी नहीं आता, शक्कर आए कि बराबर आता है। पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, ये मत मारिए। और दूसरी बात ये रखिए कि क्रेडिबिलिटी गुडविल ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। केवल आप पॉपुलरिटी के लिए कुछ भी चीज़ लाओ करा दो ऐसा मत करिए। इसका कारण आप जो इन्फ्लुएंसर करके काम कर रहे हो वो बात जो कह रहे हो, वेदर इट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट, 3 के बाद आप ज़रूर करिए, पर ऐसी कोई गलत बात मत करिए जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है या निगेटिव है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि इसमें नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लोग नॉलेज बदलता रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर जगह पर बदल रही है, और इसलिए आज ये सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रांग हुई है। अच्छे भी एग्जांपल है, कुछ गलत भी एग्जांपल है, हम रोज़ देखते हैं, हमारे बारे में इतने आते हैं छपके आइटम, हमारा कुछ ब्रांड एस्टेब्लिश हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी के कारण। कोई लीडरशिप एस्टेब्लिश हुई, क्यों? उनकी परफॉर्मेंस के कारण। कोई बिजनेस, कोई डॉक्टर, क्यों ये सक्सेस होता है, लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर के रूप में भी आप पॉजिटिविटी के साथ सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, फिर लोगों के एंटरटेनमेंट भी जरूर करिए, जिससे क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके लाइफ में ये जो इन्फ्लुएंसर अवार्ड आपको मिला है, ये जो आपको इनहेरेंट एबिलिटी मिली है, कैपेबिलिटी मिली है, इसका उपयोग पॉजिटिविटी के साथ अच्छे काम के लिए, अच्छी चीज़ के लिए करिए। मैंने जातीयवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करने के और पब्लिकली कहा कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात, पब्लिकली बोला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी बात के ऊपर बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ लोगों के पास जाइए। ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोगों का समर्थन भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, और आपकी बातों पर लोग निश्चित रूप से सोचेंगे। आपके लाइफ में भगवान ने आपको इनहेरेंट एबिलिटी दी है, बोलने की क्षमता दी है, क्या बोलना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिया है, और नॉलेज भी आपको दिया है, और ये सब क्वालिटी एक जगह आएगी तब आपको अवार्ड मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड आपके लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन लाएगा। वैसे एक बात ये भी सच है कि नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ परफेक्ट। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़िए, अपने जो निगेटिव पॉइंट है उसको निकाल दीजिए, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पॉइंट्स को बढ़ाइए, परफेक्शन की ओर जाइए, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी।